बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। आगरा जिला जेल प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। कांग्रेस नेत्री ने लगाए गंभीर आरोप। बीमार कैदी के इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। इलाज के दौरान कैदी रवि खंडेलवाल की कोरोना से हुई मौत। आगरा जिला जेल पर प्रशासन पर और गंभीर आरोप कांग्रेस नेत्री द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेल में कैदी का इलाज सही से नहीं हुआ, लापरवाही के चलते उसकी मृत्यु हुई है। तो आगरा जिला जेल और प्रशासन पर कांग्रेस नेत्री के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वही अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से इस वक्त की सामने आ रही है। नामांकन में महिला की साड़ी खींचने का मामला, साड़ी खींचने के मामले में केस दर्ज किया गया। 5 गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस, 2 नामजद और कई अज्ञातों पर केस दर्ज। बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने महिला के साथ हुई थी। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है रेखा वर्मा। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। वही अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 50,000 लोगों की विदेश यात्रा पर संकट, कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों पर संकट, वापस नौकरी पर जाने की नहीं मिली अनुमति। यूएई ने सिर्फ 4 वैक्सीन को दी मान्यता। फाइजर स्पुतनिक वी सिनोफार्म को ही मान्यता, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका को मिली मान्यता। तो कोवैक्सीन लगवाने वाले यात्री अब यूएई नहीं जा पाएंगे, नौकरी पर वापस नहीं लौट पाएंगे। 15,000 लोग जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है वो यात्रा कर यूएई नहीं जा पाएंगे। आशियाना पुलिस की को मिली बड़ी सफलता। लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस ने 5 किलो गांजा किया बरामद। गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अध्यक्ष मौर्य और शिवा प्रजापति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। 5 किलो गांजा बरामद किया गया है, साथ ही साथ 2 गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। अक्षय मौर्य और शिवा प्रजापति को पुलिस ने किया गिरफ्तार।